हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल इस वीडियो में देखेंगे रेमेडियल वर्कबुक क्लास नाइन सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर नाइनटीन का सॉल्यूशन इससे पहले हमने वर्कशीट नंबर एटीन तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख रखे हैं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्ले में जाकर के उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं यहाँ हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर नाइनटीन का सॉल्यूशन क्वेश्चन है रीड दस्ट्रक्शन गिव इन बिलो एंड सॉल्व द क्रॉस वर्ड और पजल यहाँ हमें इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं एक और डाउन में तो यहाँ हमें उनके थ्रू इस जो पज़ल है क्रॉस वर्ड है इसे कंप्लीट करना है जैसे डाउन में लिखा हुआ है फर्स्ट डिस्क्राइब्स अ वर्ड नाउन डिस्क्राइब करता है जो नाउन को जैसे कोल्ड वेट ठंडा गर्म ठीक है तो यहाँ क्या कहलाता है डिस्क्राइब अ नाउन फर्स्ट में लिखेंगे एग्जेक्टिव ठीक है ए डी जे ई सी टी आई वी ई एडजेक्टिव ठीक है सेकेंड दे रखा है अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस एक वर्ड जो ज्वाइन करता है सेंटेंस के टू पार्ट को जैसे बट एंड और बिकॉज तो ये सब क्या होते हैं सेकेंड सेकेंड में लिखेंगे कंजक्शन क्या होते हैं ये कंजक्शन बट एंड बिकॉज और ठीक है तो यहाँ लिखेंगे सी ओ एन जे यू एन सी टी आई ओ एन नेक्स्ट थर्ड है अ वर्ड दैट कनेक्ट अ नाउन और प्रोनाउन टू अनादर वर्ड इन अ सेंटेंस एक वर्ड जो कनेक्ट करता है नाउन और प्रोनाउन को अनादर वर्ड और वर्ड के सेंटेंस के वर्ड को तो यहाँ जैसे बिफोर इन टू इन ये जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं इन ऑन तो इन्हें कहते हैं प्रिपोजिशन पी आर ई पी ओ एस आई टी आई ओ एन प्रीपोजिशन ठीक है फिफ्थ है अ वर्ड दैट इज़ पुट नेक्स्ट टू अ नाउन नाउन के जस्ट तुरंत बाद जो यूज़ होता है वो वर्ड जैसे द अ एन ठीक है तो ये क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं आर्टिकल ए आर टी आई सी एल ई जिसमें एन का यूज होता है ए ई आई ओ यू या फिर साउंड होता है हमारा जो स्वर में साउंड होता है जैसे ऑनेस्ट है स्पेलिंग एस से स्टार्ट होती है बट जो बोला जाता है वो एस से स्टार्ट होता है ऑनेस्ट तो यहाँ एन का यूज़ होता है इसी तरह से आर है एच ओ यू आर इसमें भी एन का यूज़ होता है तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होता है एन का यूज़ पर्टिकुलर कोई थिंग नेम दे रखी होती है पर्टिकुलर चीज़ का डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है तो डी का एन करते हैं बाकी जो ए आई ओ यू से रिलेट नहीं है तो वहाँ यूज़ करते हैं ए का यूज़ करते हैं ठीक है ठीके? ध्वनियों को ध्यान में रखते हुए अगर ध्वनि हमारी स्वर में आ रही है तो हम यूज करते हैं एन का और ध्वनि अगर स्वर में नहीं आ रही है और वो ए ई आई ओ यू से अलग है तो वहाँ यूज़ करते हैं ए का ठीक है नेक्स्ट सिक्स है एन एक्शन वर्ड जैसे रन क्लैप तो एक्शन वर्ड एक्शन वर्ड को क्या कहते हैं रन और क्लैप ये सब क्या है वर्ब है ठीक है ये एक्शन को डिनोट करती हैं जैसे कुक खाना बना रही है क्या कर रही हैं एक्शन कर रही हैं कुक ठीक है रन दौड़ रहा है क्लैप ताली बजा रहा है लाफ ठीक है हंसना तो ये सब क्या एक्शन वर्ड होते हैं इन्हें क्या कहला इन्हें क्या कहते हैं वर्ब कहते हैं तो सिक्स में क्या लिखेंगे हम वर्ब वी ई आर बी नेक्स्ट फोर्थ में दे रखा है एक्रॉस में नेम ऑफ अ पर्सन अ प्लेस और अ थिंग बॉय टाउन बॉल नेम जो पर्सन को डिनोट करता है प्लेस को डिनोट करता है थिंग को डिनोट करता है जैसे बॉय हुआ टाउन हुआ बॉल हुआ तो इन सबको क्या कहा जाता है तो इन सबको कहा जाता है नाउन संज्ञा संज्ञा क्या होती है अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग ठीक है सेवन है अ सडन एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन ठीक है हम जैसे चौंक जाते हैं सडन मतलब हमारी एक्सप्लेनेटरी साइन निकलते हैं जैसे अरे हा हु तो इस तरह से जो एक्सक्लेमेटरी साइन रहते हैं जिसमें बाद में जो जैसे हाई के बाद में है उ, उ है आ है ठीक है तो इस तरह से जो होते हैं सेंटेंस एक्स एक्सक्लेमेशन तो क्या कहलाते हैं वे वे कहलाते हैं इंटरजेक्शन आई एन टी ई आर जे ई सी टी आई ओ एन इंटरजेक्शन ठीक है एक्सक्लेमेटरी साइन जैसे होते हैं आई आ ऊ ठीक है नेक्स्ट एथ है सब्स्टिट्यूट्स अ नाउन और अ नाउन फ्रेज टू शो अनादर नेम फॉर अ पर्सन प्लेस और थिंग ही हुम ठीक है तो नाउन को शो करता है जैसे अनादर नेम फॉर अ पर्सन प्लेस थिंग शो करता है तो ये वर्ड होते हैं जैसे वह है हुम जिसका किसका ठीक है तो यहाँ एथ में क्या लिखेंगे एथ में लिखेंगे ये सब होते हैं प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर ही यूज आते हैं जैसे बॉय इज़ प्लेइंग ही इज़ प्लेइंग तो ही किसके लिए यूज़ हो रहा है बॉय के लिए यूज़ हो रहा है तो यहाँ ये सब क्या होते हैं ही शी ये सब होते हैं प्रोनाउन ठीक है नाइन्थ है द पार्ट ऑफ स्पीच दैट मॉडिफाई अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और बर्ब एडवर्ब जैसे वेरी ठीक है जो पार्ट ऑफ स्पीच को शो करता है मॉडिफाई करता है वर्ब को एडजेक्टिव को एडवर्ब uh, वर्ब को तो ये सभी क्या कहलाते हैं ये सब कहलाते हैं एडवर्ब्स जो कि किसी आ, वर्ड की पर्टिकुलर की विशेषता बताते हैं जैसे एग्जिट की विशेषता बता दी वर्ग की विशेषता बता दी तो ये क्या कहलाते हैं एडवर्ब्स कहलाते हैं ठीक है एडवर्ब की विशेषता मतलब वर्ग की जो विशेषता बताते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं एडवर्ब कहलाते हैं जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या, क्या महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो यहाँ महत्वपूर्ण को भी बहुत ज़्यादा करके बोला गया है तो यहाँ वेरी क्या है एक एडवर्ब है ठीक है इस तरह से इस तरह से हमने ये जो क्रॉस वर्ड दे रखा था हमें पज़ल दे रखा था हिंट्स भी दे रखी है नीचे क्लूज भी दे रखे हैं कि इनका यूज़ करना है आपको तो इस तरह से हमने इस क्रॉस वर्ड पज़ल को समझते हुए कंप्लीट किया है तो ये था वर्कशीट नाइनटीन का सॉल्यूशन आगे और भी वर्कशीट के सॉल्यूशन देखते रहेंगे तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद